बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रपति रामाफोसा का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्रिक्स आउटरीच समिट के अफ्रीका एशिया लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विचार साझा करने का अवसर दिया है। पिछले दो दिनों में ब्रिक्स की सभी चर्चाओं में हमने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बल दिया है। हमारा मानना है कि ब्रिक्स द्वारा इन मुद्दों पर विशेष महत्व दिए जाना वर्तमान समय की जरूरत है। हमने ब्रिक्स फोरम के विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। हम सभी नए पार्टनर देशों का स्वागत करते हैं। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फोरम्स को रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने की हमारी कोशिशों की तरफ एक पहल है। एक्सलेंसीज, जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मात्र डिप्लोमेटिक टर्म्स नहीं है। हमारे साझा इतिहास में हमने उपनिवेशवाद और रंगभेद का मिलकर विरोध किया है। अफ्रीका की भूमि पर ही महात्मा गांधी ने अहिंसा और पीसफुल रेजिस्टेंस जैसी शक्तिशाली अवधारणाओं को विकसित किया, परखा और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के इस्तेमाल किया। उनकी सोच और विचारों ने नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता को प्रेरित किया। इतिहास के इस मजबूत आधार पर हम अपने आधुनिक संबंधों को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। एक्सलेंसी, भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और पांचवा सबसे बड़ा निवेशक देश है। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स, मोजाम्बिक, कोत द्वीपार और एस्वातिनी में टेक्नोलॉजी पार्क्स हो या तंजानिया और युगांडा में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कैंपस। भारत ने अफ्रीका के देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दी है। एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और करीबी साझेदार है। अफ्रीका में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए हमने टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन में 15,000 से भी अधिक स्कॉलरशिप प्रदान की है। हमने नाइजीरिया, इथियोपिया और तंजानिया में डिफेंस एकेडमीज और चैलेंजेस और कॉलेजेस का निर्माण किया है। बोत्सवाना, नामीबिया, युगांडा, लेसोथो, जाम्बिया, मॉरिशियस, सेशल्स और तंजानिया में प्रशिक्षण के लिए टीम्स डिप्लॉय की है। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आतंकवाद और पायरेसी के विरुद्ध लड़ाई में भी हम अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के मुश्किल समय में हमने
अनेक देशों को खाद्य पदार्थों और वैक्सीन की आपूर्ति की। अब हम अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कोविड और अन्य वैक्सीन की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं। मोजाम्बिक और मालावी में साइक्लोन हो या मेडागास्कर में फ्लड्स, भारत फर्स्ट रिस्पोंडर के रूप में सदैव अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। एक्सलेंसी, लेटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो अटलांटिक तक, भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का आधार है। यह हमारी G20 अध्यक्षता का भी मूल मंत्र है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमने 3 अफ्रीकी देशों तथा कई विकासशील देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। एक्सलेंसी, मेरा मानना है कि ब्रिक्स और आज उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मैं आप सबको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन अर्थ वन हेल्थ, बिग केट अलायंस, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव्स में सहभागिता के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जुड़ने के लिए, अपने अपने विकास में उसका लाभ उठाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमें अपना अनुभव और क्षमताएं आप सबके साथ साझा करने में खुशी होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से हमें सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए एक नया आत्मविश्वास मिलेगा। मैं एक बार फिर इस अवसर के लिए आप सबका, विशेष रूप से राष्ट्रपति रामाफोसा का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।